तो आपको चाहिए एक स्मार्ट वॉच जिसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हो, लेकिन आपका बजट 3,000 है या 2,000 है या फिर आपका बजट 1,000 है, फिर भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये अभी जो हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ये है बीट एक्सपी मार्व रेज। एंड जब मैंने इसको बाय किया, जब इसको मैं खरीद रहा था, तो मैंने वहां पे एक बड़ा डिस्प्ले देखा एंड ब्लूटूथ कॉलिंग देखा, इतना मैंने देखा है। 1,000 के अंदर मिल रहा है तो मैंने इसको ऑर्डर किया। लेकिन जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो जो इसमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, अमेजिंग माइंड ब्लोइंग स्मार्ट वॉच है। एंड कंप्लीट इसी के बारे में कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे, एंड आपको भी बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड ऑल्सो ब्लूटूथ कॉलिंग भी टेस्ट करेंगे, माइक एंड स्पीकर का क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फटाफट हम इसको बॉक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो कंप्लीट बॉक्स जो है, कंप्लीट पैकिंग जो है, कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। एंड फटाफट चलिए हम इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से यहां से हम ओपन करते हैं। एंड ओपन करते ही कुछ इस तरीके का देख सकते हो कंप्लीट आपको पैकिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड सबसे ऊपर में एक यहां पे हमें बॉक्स देखने के लिए मिलता है छोटा सा, जिसमें हमें कुछ स्टिकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड ऑल्सो हमें वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहां पे कुछ कूपन एंड कार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ बात करें तो आगे यहां पे बॉक्स में हमारा स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिल जाता है। तो स्मार्ट वॉच को निकाल लेते हैं, स्मार्ट वॉच को रखते हैं साइड में। एंड इसी के साथ और आगे बात करें तो यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है, जिसका यूज करके हम स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। चलिए फाइनली आते हैं स्मार्ट वॉच पे। एंड बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का कंप्लीट स्मार्ट वॉच है। एंड यहाँ पे आपको सिलिकॉन स्ट्रेप्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड ओवरऑल स्ट्रेप्स की क्वालिटी की बात करो तो काफी अच्छा स्ट्रेप्स का क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है, चेंजेबल स्ट्रेप्स है। यहाँ पे आपको बकल देखने के लिए मिल जाता है, बकल पे आपको BTEX का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड कंप्लीट यहाँ पे 20mm का आपको स्ट्रेप्स देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का स्ट्रेप्स, काफी अच्छा है, काफी कंफर्टेबल रहेगा। आगे डायल की बिल्ड की बात करूं तो कंप्लीट यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल का जो है बिल्ड देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे बिल्ड देखने के लिए मिलता है। एंड इस साइड देख सकते हो क्राउन एंड मल्टी फंक्शन बटन जो है देखने के लिए मिलता है। एंड अगर इस साइड बात करूं तो यहाँ पे आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे माइक देखने के लिए मिल जाता है। बैक में बात करें तो बैक में भी आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया, जहां पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, एंड सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, BTEX का ब्रांडिंग भी जो है देखने के लिए मिल जाता है। सो ओवरऑल देख सकते हो कंप्लीट स्मार्ट वॉच का लुक्स एंड डिजाइन कुछ इस तरीके का है। एंड बात करूं तो लुक्स एंड डिजाइन के मामले में स्मार्ट वॉच यहां पे काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। चलिए फाइनली आते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो यहां पे देख सकते हो आपको 1.96 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले जो है देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो बेजल्स भी काफी मिनिमल या फिर ना बराबर बेजल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एंड बात करो तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा ही डिस्प्ले नहीं दे दिया गया है, यहाँ पे आपको 60 हर्ज का जो है रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको 320x386 पिक्सल्स का हाई रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी अगर आप खुद का फोटो भी वगैरह कस्टमाइज करके सेट करते हो, तो जो पिक्सल्स वगैरह है वो काफी अच्छे से मेंटेन रहेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस भी जो है देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें तो जैसे कि ये वर्किंग क्राउन है, तो आप इसका यूज करके कुछ इस तरीके से इनबिल्ट 10 वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं वॉच में, जो कि यहां से कुछ इस तरीके से जो आप सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंड ऑल्सो बात करें तो इसके ऐप में काफी सारे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, अराउंड आपको 90+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है, तो वहां से आप अलग अलग तरीके के सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसके ऐप से कस्टमाइज करके खुद का फोटो वगैरह या फिर कोई भी फोटो आप गैलरी से वॉच में सेट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है डिस्प्ले, तो यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह देख सकते हो काफी अच्छे से मेंटेन है। बाकी वर्किंग क्राउन तो मिल ही जाता है, तो इसका आप यूज करके काफी इजीली इस तरीके से जो है आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। अगर एक बार पहन के दिखा दूं तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का कंप्लीट इनहेंड लुक आने वाला है। इनहेंड लुक की बात करूं तो काफी सही है, यहाँ पे सिंपल इनहेंड लुक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी डायल काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, तो ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफी सही है। एंड कंफर्ट की बात करो तो स्टेप्स काफी अच्छे क्वालिटी के देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल जो स्मार्ट वॉच का वेट है वो भी काफी लाइट देखने के लिए मिलता है, तो ओवरऑल लुक्स एंड फील वगैरह काफी अच्छा स्मार्ट वॉच का रहने वाला है। बात करें स्मार्ट वॉच है तो कहीं ना कहीं आप इसको पहन के जिम जाओगे या फिर एक्सरसाइज वगैरह करोगे या फिर कोई ऐसा काम जिसमें पसीना या पानी का खतरा हो, तो यहाँ पे आपको उसके लिए भी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको IP67 का वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, तो हल्का फुल्का पानी वगैरह से या फिर पसीने वगैरह से कोई भी इशू
इशू नहीं होगा। आप हैंड वॉश करते समय यूज कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि स्विमिंग करते समय बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, पानी में 1 मीटर से ज्यादा अंदर नहीं डालना है, एंड पानी के अंदर ज्यादा समय तक 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। सो चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच के और फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको काफी अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, एंड इसमें आपको डिजिटल एंड पॉइंटर दो तरीके का ऑलवेज ऑन फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे ऑलवेज ऑन फेसेस आप सेट कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर जैसा फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। आप छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, काफी अच्छे से जो है वर्क करता है। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट गेम भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि फन है, टाइम पास के लिए आप प्ले कर सकते हो। साथ ही में कैलेंडर का भी फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, आप कैलेंडर को भी आप स्मार्ट वॉच से यूज कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, तो आप अपने स्मार्ट वॉच पे लॉक भी लगा सकते हो। इसी के साथ बात करें, साइड वाले बटन को आप प्रेस करके अगर मेन्यू में जाते हो तो यहाँ से आप स्टॉक मार्केट के भी जो भी स्टॉक्स वगैरह आप इसके ऐप से सेट कर दोगे वो यहाँ से आप वॉच कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ से आप वेदर अपडेट भी व्यू कर सकते हो। साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड भी देखने के लिए मिलता है, तो आप स्पोर्ट्स मोड का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो वॉइस असिस्टेंट जैसा फीचर भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, एंड काफी अच्छे से वर्क भी करता है। साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो अलग अलग तरीके का लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो, एंड ऑल्सो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो हेल्थ रिलेटेड फीचर्स, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग यूज कर सकते हो, यहाँ से स्टेप्स, डिस्टेंस एंड कैलोरीज काउंट का भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको SPO2 मॉनिटरिंग का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप कॉलिंग फीचर का भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट देख सकते हो, जो भी कॉन्टेक्ट इसके ऐप से सेट कर दोगे वो यहाँ से वॉच से देख सकते हो, डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से कॉल भी कर सकते हो। इसी के साथ बात करते हो यहाँ से कॉल लॉग से, यहाँ से कॉल हिस्ट्री वगैरह भी आप व्यू कर सकते हो, एंड ऑल्सो बात करते हो यहाँ से नंबर भी डायल कर सकते हो, एंड डायरेक्ट नंबर डायल करके यहाँ से कॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए कंप्लीट स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉल आ गया है, एंड यहाँ से कॉल आप रिसीव या रिजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से कॉल को मैं रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ, आवाज कैसा जा रहा है? हेलो, आवाज कैसा जा रहा है? आवाज पूरा क्लियर आ रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ कट वगैरह कुछ नहीं ना जा रहा है? कुछ नहीं, एकदम जिस तरह फोन में आता है ना, सेम टू सेम आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई इशू वगैरह, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल ठीक है, उधर का भी आवाज सही आ रहा है। चल ठीक है। सो आपने देखा लाइव कॉलिंग टेस्ट, तो यहाँ पे माइक का क्वालिटी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, स्पीकर का भी क्वालिटी काफी लाउड स्पीकर देखने के लिए मिलता है, एंड सबसे पहले मैंने फ्रेंड को कॉल किया था फोन से, एंड फोन के थ्रू मैंने उससे बात किया था, एंड उसके बाद फिर मैंने स्मार्ट वॉच के थ्रू उससे बात किया, एंड मैंने उससे पूछा दोनों में कंपेरिजन क्या है, तो उसने बोला ऑलमोस्ट दोनों का जो साउंड है, जो माइक का क्वालिटी है, वो सेम ही आ रहा है। सो यहाँ पे प्राइस के वजह से जो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, एंड ओवरऑल बात करो तो कॉलिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, तो इसके ऐप से जिन सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आप ऑन कर दोगे, उन सोशल मीडिया एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ पे रिसीव कर पाओगे स्मार्ट वॉच पे, एंड कंप्लीट यहाँ से व्यू कर पाओगे। सो ये तो हो गया स्मार्ट वॉच के कंप्लीट फीचर्स। अब बात करें बैटरी लाइफ इसमें कैसा देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग यूज करते हो तो अराउंड आपको 7 डेज का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सब यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन का ही बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। एंड बीट एक्सपी ट्रैक करके इसका एप्लीकेशन है, जिसको डाउनलोड करके एंड स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके कंप्लीट यूज कर सकते हो, एंड बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो वहां से क्लिक करके आप इजिली इसको परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर एक बार चेकआउट करें। सो ये स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इस प्राइस रेंज में अगर कोई और स्मार्ट वॉच है तो उसका भी नाम कॉमेंट जरूर कीजिएगा, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।